दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री भले ही काफी आगे निकल चुकी है, पर इसका 90 का दशक काफी ज्यादा यादगार रहा है, जिसमें हमें एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां देखने को मिली हैं, जिन्होंने अपने उस दौर में न जाने कितनी ही तरह की यूनिक रोल प्ले किए हैं, जिसमें इन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी अदायगी से दर्शकों का खूब दिल जीता था और फिल्मों को सुपरहिट बनाया। और इसी के साथ 90 के दशक की ये अभिनेत्रियां दर्शकों की चहेती अभिनेत्री बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन अभिनेत्रियों के बारे में नहीं, बल्कि इनके रियल लाइफ बेटे के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि किसका बेटा है ज्यादा हैंडसम। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर है माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित 90 के दशक में हम आपके हैं कौन, साजन और खलनायक जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। वहीं अगर बात करें अभिनेत्री माधुरी के बेटे के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके दो बेटे हैं, अरिन नेने और रायन नेने। इनके दोनों बेटे अभी अपनी पढ़ाई करने में बिजी हैं, पर आपको बता दें कि इन्हीं की तरह इनके दोनों बेटे भी दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम हैं, जो स्टाइलिश जीन्स टी शर्ट को कैरी करने के बाद दिखने में और भी ज्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं। साथ ही आपको बता दें, माधुरी दीक्षित अपने दोनों बेटों से बेहद प्यार करती हैं और इनके बेटे भी अपनी मम्मी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। इस तरह से इनका नाम इस लिस्ट में नंबर 5 पर शुमार होता है। नंबर 4 पर है काजोल। अब बात करते हैं 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा काजोल के बारे में, जिन्होंने 90 के दशक में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और करण अर्जुन जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ बेटे के बारे में, तो आपको बता दें इनके बेटे का नाम युग देवगन है, जो कि अभी छोटे हैं और अपनी पढ़ाई करने में बिजी हैं। पर आपको बता दें कि इनके बेटे भले ही छोटे हैं, लेकिन इनके बेटे अपनी मम्मी की तरह ही दिखने में काफी ज्यादा क्यूट हैं और अपनी मम्मी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, तभी तो इस लिस्ट में इनका नाम नंबर 4 पर शुमार होता है। नंबर 3 पर है ट्विंकल खन्ना। अब बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के बारे में, जिन्होंने 90 के दशक में बरसात और जान जैसी कई सुपरहिट मूवीज दी हैं। वहीं अगर बात करें इनके बेटे के बारे में, तो आपको बता दें इनके बेटे का नाम आरव कुमार है, जो कि अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत जल्द डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये अपनी मम्मी की तरह ही दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग दिखाई देते हैं, और इन दोनों माँ बेटे के बीच में काफी ज्यादा प्यार और अच्छा बॉन्ड भी देखने को मिलता है। इस तरह से इनका नाम इस लिस्ट में नंबर 3 पर शुमार होता है। नंबर 2 पर है भाग्यश्री। अब बात करते हैं 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा भाग्यश्री के बारे में, जो मैंने प्यार किया जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ बेटे के बारे में, तो आपको बता दें इनके बेटे का नाम अभिमन्यु दस्सानी है, जो कि प्रोफेशन से एक्टर हैं, और आपको बता दें इनके बेटे भी दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग दिखाई देते हैं। साथ ही अपने बेटे से बेहद प्यार करती हैं और इनके बेटे भी इनके साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, जैसा कि आप इन दोनों की तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से इस लिस्ट में इनका नाम नंबर 2 पर शुमार होता है। नंबर 1 पर है अमृता सिंह। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम शुमार होता है अभिनेत्री अमृता सिंह का, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में मर्द और बेताब जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ बेटे के बारे में, तो इनके बेटे का नाम इब्राहिम अली खान है, जो कि अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, दिखने में इब्राहिम अली खान काफी ज्यादा हैंडसम है। इनकी डैशिंग पर्सनालिटी तो इनके हैंडसम लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, तभी तो इस लिस्ट में अमृता सिंह के बेटे का नाम नंबर 1 पर शुमार होता है। तो दोस्तों, आप 90 के दशक की इन खूबसूरत अभिनेत्रियों के हैंडसम बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।